बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। यूई का वेदर इतना कोई माइंड ब्लोइंग है ना कि मेरा ख्याल है कोई ही फैमिली होगी जिसने अब तक बारबेक्यू नहीं किया। हम थोड़े से लेट हो गए लेकिन हमने भी फाइनली बारबेक्यू कर ही लिया। यहाँ पे मैं मैरिनेशन करने लगी हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे थे बारबेक्यू पिकनिक करने के लिए, और माशाल्लाह से हम लोग यहाँ पे 3 फैमिलीज़ हैं, मेरी नंदे भी यहाँ पर है, और हम लोग मिलकर बारबेक्यू प्लान कर रहे थे और हमने आपस में सभी चीज़ें डिवाइड कर ली थी कि कौन क्या लेकर आएगा। और मेरे हिस्से में आया था जी मलाई बोटी, जिसकी मैरिनेशन मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैंने चिकन को डीप रोस्ट होने के लिए रात में एक पूरे दिन के लिए निकाल कर रख दिया था। 3 kg मेरे पास चिकन था। यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस ब्रेस्ट पीसेस ले लिए हैं और बस उसको फिर इसी तरह स्ट्रेनर में डालकर उसका पानी जो है ना वो सारा निचोड़ देना अच्छी तरह से, ताकि उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे और मैरिनेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग किस्म की हो। फर्स्ट स्टेप पे मैंने ये किया है कि उसको हैमर से अच्छी तरह से फ्लैटन कर लिया है ताकि इसका रेशा जो है अंदर से टूट जाए, और फिर उसके बाद इसकी मैरिनेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये मलाई बोटी की रेसिपी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, ये इतनी ऑथेंटिक और इतनी माइंड ब्लोइंग रेसिपी है ना कि आप इसको जब चाहे अपने घर में बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप बारबेक्यू नहीं भी कर रहे ना तो ये मैरिनेशन करके आप इसको घर पे सिर्फ अपने फ्राइंग पैन पे थोड़ा सा ऑयल डालकर खुद से जस्ट एक छोटे से लेवल पर भी इंजॉय करेंगे ना तो ये बहुत बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग बनेगा, ज़बरदस्त बनेगा, और आप इसको खाकर मुझे दुआ दिए बिना रह नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो जी, यहाँ पर मैं चिकन को कट कर रही हूँ और मैंने ये बाइट साइज़ से थोड़े से बड़े पीसेस काटे हैं क्योंकि सीखों पर लगाने हैं, हमें ग्रिल करना है, और उसी हिसाब से इसका जो पीसेस है ना वो पॉन्ड पीसेस कहलाते हैं, जो कि बाइट पीसेस से थोड़े से बड़े होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन में मैंने सबसे पहले ले लिया है ज़ीरा और धनिया साबुत, ये दोनों चीज़ें लेनी है और इनको फ्राइंग पैन में डाल के ड्राई रोस्ट करूँगी। इन दोनों का फ्रेग्रेंस इतना कोई माइंड ब्लोइंग था ना कि जैसे ही इसको मैंने ग्राइंड किया ना उससे बहुत प्यारी खुशबू आने लगी थी। बस इसको भी ग्राइंड करके मैं साइड पर रख दूँगी, ददरा सा मैंने इसको पीसा था। उसके बाद यहाँ पर आती है जी मेन मैरिनेशन। उसके लिए मैंने ले लिए हैं 3 tablespoons ऑयल के, 1 cup ऑफ थिक योगर्ट, थिक योगर्ट ही लेना है, पतला वाला बिल्कुल नहीं लेना। साथ मैंने ले लिया है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट तकरीबन 3 tablespoons, 2 teaspoon भर के मैंने इसमें डाल दी है वाइट पेपर पाउडर, और 3 teaspoon मैंने इसमें ऐड किए हैं चिली फ्लेक्स। अच्छा, मेरे पास 3 kg चिकन है ना तो मैं उसी की रेसिपी यहाँ पर बता रही हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मैं जो लगाऊंगी वो 1 kg चिकन की होगी। अच्छा, बीच में मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और काली मिर्च का पाउडर और नमक ऐड किया है, और उसके बाद यहाँ पर मैं अब ऐड कर रही हूँ पक की थिक क्रीम। यहाँ पर भी मेक श्योर करना है कि आपको थिक क्रीम ही यूज़ करनी है, अदरवाइज़ आपका जो मैरिनेशन है वो बहुत पतली पतली सी बनेगी और वो बोटियों को लगेगी नहीं। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ये ज़ीरा और धनिया जो पीस कर मैंने रखा था, उसके तकरीबन 3 बड़े चम्मच, और ये भी डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 6 tablespoons लेमन जूस के। आप यहाँ पे फ्रेश लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास जूस था तो मैंने वो ऐड कर दिया है। 3 tablespoons मैंने इसमें वाइट विनेगर ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट जा रहा है जो कि है डेसिकेटेड कोकोनट, जो कि कोकोनट होता है क्रश किया हुआ, वो आपने इसमें ज़रूर डालना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उसके बाद जी ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली थी, और उनको भी अच्छा सा पेस्ट बना लेना है या उसको क्रश कर लेना है, और वो क्रश किया हुआ जो ग्रीन चिली पेस्ट है वो भी इसके अंदर ऐड होगा। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने मीडियम सा स्पाइस लेवल रखा था क्योंकि हमारी पिकनिक में बच्चे भी थे।
बस ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट पर रेडी हो गया है मेरा मैरिनेशन, और इसको मैरिनेट करके मैं चिकन को रख दूंगी ओवरनाइट के लिए। ये तकरीबन एक पूरी रात के लिए और नेक्स्ट हाफ डे के लिए मैरिनेट रहा था, और बहुत अच्छी तरह से जो मसाला है ना वो लग गया था। यहाँ पे मुझे लगा कि नमक थोड़ा कम है तो मैंने वो भी ऐड कर दिया था थोड़ा सा। चिकन मलाई बोटी की जो मैरिनेशन है ना, ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा थिक सा पेस्ट बनाया जाता है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से आपकी बोटियों को लगे। और उससे पहले मेन चीज़ ये थी कि इनके साथ जो पानी है ना वो बिल्कुल भी ना हो। अगर पानी इसके साथ रह गया ना चिकन के साथ, तो मैरिनेशन जो है ना वो सारी इसकी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो ये भी आपने मेक श्योर करना है कि इस चिकन में जो है वो मैरिनेशन बिल्कुल सॉरी पानी बिल्कुल भी ना हो चिकन के साथ। उसको अच्छी तरह से आपने निचोड़ लेना है ताकि उसके अंदर बिल्कुल भी एक्सेस वाटर ना हो। यहाँ पे ये देखिए हाथों की मदद से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। नीचे तक सभी को अच्छी तरह से जो है ना वो मसाला लग जाना चाहिए। अच्छा, हमारी ये बारबेक्यू पिकनिक की जो मेन्यू है ना, इसमें चिकन टिक्का थाई पीसेस थे और इसके साथ फिश भी थी, जो कि मेरी बाकी की दो जो सिस्टर इन लॉ हैं वो मैरिनेट करके लेकर आ रही थी। और बस इसको मैं यहाँ पर अब क्लिंग रैप लगाकर ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। ये जो क्लिप्स हैं ये नेक्स्ट डे के हैं, जिस दिन बारबेक्यू हमने जाना था। और मेरे मेन्यू में चना चाट भी थी, और उसके लिए मैंने यहाँ पर होममेड इमली की चटनी बनाई थी। साथ में आलू यहाँ पर रख दिए हैं बॉयल होने के लिए, और साथ में चना चाट के लिए मैं कुछ सैलड की चीज़ें कट कर लूँगी, जिनमें खीरा है, धनिया है फ्रेश, और उसके अलावा टमाटर थे। इनको भी अच्छी तरह से मैं चॉप कर लूँगी। अच्छा, हम लोगों का प्लान था कि हम लोग ना तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक निकल जाएंगे, तो ऑफकोर्स बीच में टी टाइम भी आता है और बारबेक्यू जो है वो हमने एज अ डिनर करना था। तो हमारा फुल प्लान था बाहर स्टे करने का पार्क में, और बच्चे अच्छी तरह से इंजॉय करेंगे, खुद भी हम लोगों ने खूब गपशप की। तो एज अ फूडी फैमिली हमारा जो मेन्यू है ना वो भी थोड़ा सा ज़्यादा था। एनीवे, यहाँ पर ये देखें मैंने सभी चीज़ें ऐड कर दी हैं। चने आलू बॉयल करके भी डाल दिए थे, और इसके अलावा मैंने इसमें कुकम्बर प्याज और फ्रेश धनिया डाल दिया है, टमाटर डाले थे, नमक और चाट मसाला ऐड करूँगी, और एज़ पर योर चॉइस इसमें लेमन जूस जाएगा। साथ ही मैंने ऐड कर दी है होममेड इमली की चटनी, और इसको भी मैंने इसमें डाल दिया था, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। यहाँ पे मुझे रमज़ान याद आ गए थे, क्योंकि ये वाहिद चीज़ है जो हमारे घर रमज़ान में फ्रीक्वेंटली बनती है, और इससे दिल कभी भी तंग नहीं पड़ता। इनफैक्ट अभी भी इसको देख कर ना मेरे मुँह में शदीद पानी आ रहा है। एनीवे, इसको भी मैंने कवर करके रख दिया था, और जितनी भी इमली की चटनी बची थी ना इसको भी मैंने एक बॉटल में डाल के साथ ही रख लिया था, क्योंकि जब हम इसको टिक्कों के साथ और फिश के साथ खाएंगे ना तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी। यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी, और मैंने यहाँ पर ये अपना जो ड्रेस है ना ये रिपीट किया था, और इसके साथ आज मैंने पिंक कलर का स्कार्फ लिया है, और मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था तो मैंने सोचा कि मैं ये शिफॉन का ड्रेस जो है ना वो पहनूं। और अच्छा, यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए थोड़े से साथ में बना लिए थे मटरों वाले चावल, क्योंकि बच्चे बीच में ना स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं पसंद करते, इनफैक्ट मोहम्मद नहीं खाता, तो मैंने सोचा कि उसके लिए थोड़े से राइस बना लेती हूँ, और बाकी सब भी बारबेक्यू के साथ अगर थोड़े थोड़े से राइस ले लेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अदरवाइज हम लोगों ने इसके साथ खुब्स जो है ना वो प्लान किया हुआ था, बट यहाँ पर मैंने थोड़े से राइस भी बना लिए थे, और साथ में बच्चों के एक्स्ट्रा जैकेट्स ज़रूर रखे थे, क्योंकि आजकल मौसम इतना अजीब सा है ना, किसी टाइम धूप होती है और थोड़ी देर बाद बादल हो जाते हैं। बस यहाँ पर सब कुछ मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दिया था कलेक्ट करके, मैं आज सुबह से चीज़ें जो है ना वो रख रही थी ताकि कुछ भी मुझसे मिस ना हो। एक्चुअली हम लोगों ने पहले से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था, जिस पर हम लोगों ने प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके चीज़ें जो है ना वापस में डिवाइड की थी कि हम लोग
कौन कौन क्या लेकर जाएगा, और उसी हिसाब से हमने अपनी चेक को अपनी लिस्ट को चेक इन कर लिया था। ये मेरे पास पिकनिक बास्केट है और इसमें मैंने चना चाट और जो ऑरेंजेस है ना वो रख दिए थे, क्योंकि माल्टे वगैरह भी खाएंगे, और साथ में ये जो चिकन मैरिनेशन किया हुआ है और वो, और जो राइस है ना वो इस बॉक्स में पूरे नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि इसको हम इसी तरह ट्रंक में रख लेंगे गाड़ी की। और बस ये सब कुछ मैं हस्बैंड को दे रही थी और वो साथ साथ गाड़ी की डिग्गी में सभी चीज़ें जो है ना वो अरेंज कर रहे थे। यहाँ पे हम पार्क में पहुँच गए थे और आते ही हम लोगों को इतनी कोई शदीद भूख लगी हुई थी ना, क्योंकि सुबह के नाश्ते किए हुए थे और यहाँ पर हम खा रहे हैं चना चाट और साथ ही हमने ऑरेंजेस वगैरह भी खोल के रख लिए थे, साथ साथ चाय भी और गपशप लगाई। अच्छा, बारबेक्यू का सबसे अच्छी बात पता क्या होती है कि इस वक्त इस दिन ना लेडीज़ आराम से बैठ के रेस्ट करती हैं और मर्द हजरात बैठ के कुकिंग करते हैं, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग आए थे यहाँ वतबा पार्क में और ये अबू धाबी में ही है। और अच्छा, यहाँ पर ना डिफरेंट पॉइंट्स बने हुए थे बारबेक्यू के लिए, लेकिन हम उसके बावजूद भी अपनी अलग से जो अंगीठियाँ हैं ना वो लेकर चले गए थे, ताकि हमें हम जल्दी से सारा कुछ जो है ना वो साथ साथ रख लें और जल्दी जल्दी से कुकिंग का जो प्रोसेस है ना वो ख़त्म हो जाए। मौसम बहुत प्यारा था और यहाँ पर बैठ कर शाम की चाय पीने का ना अपना ही मज़ा था। चाय वगैरह पी, बच्चे अपनी खेल में मस्त यहाँ पर खेल रहे थे। अजीनिया और मोहम्मद अपनी स्कूटी साथ ले गए थे और वो वही चलाते रहे काफ़ी टाइम तक, और बाकी बच्चे भी जो हैं कज़न्स उनके अपना आराम से खेल रहे थे। इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने कॉर्न्स भी साथ में रख लिए थे और इसको भी ग्रिल पर ही बनाया था। बस यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से क्लिप्स लिए थे मैंने, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा था और जब सारी फैमिली माशाल्लाह से साथ में होती है ना, तो फिर मौसम, जगह, खाना और कंपनी सभी कुछ इंसान एंजॉय करता है, और यही सब कुछ हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। साथ साथ मैंने बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से कुछ क्लिप्स ले लिए, सभी बच्चों ने बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और साथ में यहाँ पर ये जो क्लिप्स देख रहे हैं ना, ये आप मेरी इंस्टाग्राम रील के हैं, जो कि आप मेरी इंस्टाग्राम के अकाउंट पर देख सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर देखें, शाम होना स्टार्ट हो गई थी और चिकन वगैरह तो हमारा बन गया था, चिकन जल्दी से बन जाता है, लेकिन ये जो थाई पीसेस है ना इनको थोड़ा सा टाइम लगा था, बट दे आर ऑल्सो कुक वेरी वेल, और क्रेडिट गोज़ टू द पर्सन जो कि जिसने ड्यूटी दी यहाँ पर अंगीठी पर, और जल्दी जल्दी से सारा कुछ खाना जो है ना वो बना कर दिया। और जी फाइनली यहाँ पर खाना बिल्कुल रेडी था और मैं इसके क्लिप्स लेने की कोशिश कर रही थी, बट अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था और यहाँ पे ये चिकन टिक्का था, उसके बाद मटरों वाले चावल हैं जो मैं घर से बना के लाई थी, उसको भी हम लोगों ने इस हॉट पैक में डाल के हल्का सा गर्म कर लिया था, साथ में मछली है, मलाई बोटी है, और बस जी यहाँ पर हम अपना खाना इंजॉय करेंगे। यहाँ तक कि मैंने कैमरा ऑन रखा, उसके बाद जी भर के खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत यम्मी था, और फिर चाय ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम लोगों ने पी यहाँ पर कोयलों में बनी हुई चाय और बहुत ही ज़्यादा इसका मज़ा था, मतलब एक कप से तो दिल भरा ही नहीं था ना। पार्क में काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो गई थी, हम लोगों ने भी सब जैकेट्स वगैरह पहन ली थी, और उसके बाद इस चाय का जो मज़ा है ना वो अनबीटेबल था सीरियसली। ऐसे
क्या है लाइट? ये मेरी सबसे छोटी वाली नन जो कि सऊदीया से आई हुई है, उनका बेटा है और बस इसी की शरारतों को सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। और बस जी यहाँ पर हमारी पैकिंग स्टार्ट हो गई थी, हम लोग वापस जा रहे थे और बहुत मज़ा किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया सभी ने। आई होप कि आपको भी इस विलो का बहुत मज़ा आया होगा। मैंने कुछ अपनी फैमिली के क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, सो डू लाइक एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।